सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर है। आज हम बना रहे हैं चिकन मंचूरियन, एक चाइनीज डिश है। उसमें हम थोड़ा सा ईस्ट इंडियन टच देंगे, हल्का सा मसालों का, ताकि टेस्ट ज़्यादा अच्छा बने आपका। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पसंद करें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। अब हम देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन, मैंने आधा किलो चिकन लिया है। फिर मैंने इसके लिए कुछ मसाले लिए हैं, मैं चिकन टिक्का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम अपनी मर्जी से कुछ नमक ऐड करेंगे, उसके अलावा काली मिर्च, इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल होगा, सोया सॉस, सिरका, उसके बाद केचप, अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर उसकी ग्रेवी के लिए जब हम सालन बनाएंगे बाद में, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शिमला मिर्च, मैंने छोटी वाली दो ली हैं। और उसके अलावा स्क्वायर कटे हुए प्याज हम इस्तेमाल करेंगे, और हम हस्बे ज़रूरत अंडे भी इस्तेमाल करेंगे जब हम चिकन मैरिनेट करेंगे। इस रेसिपी के दो पार्ट हैं, पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे मसालों के साथ और हम इसको फ्राई करेंगे, दूसरे पार्ट में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि हम चिकन कैसे मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले ये चिकन लेंगे आप किसी बड़े बोल में। मैंने ये टिक्का मसाला है मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। उसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून लिया नमक, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च। अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। इसके अलावा कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है, 1 कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, और ये देखिए मैं टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने 2 टीस्पून डाल लेने। उसके बाद मैंने लेमन जूस इस्तेमाल करना है इसमें, मैंने 3 लेमन लिए, ये मुझे यानी छोटे साइज के हैं, ये लेमन जूस मैंने डाल लेना है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ और क्या डालना है। ये सारे खुश्क मसाले जो हैं ये इसमें मिक्स हो गए हैं, ये देखें जैसे आप देख रहे हैं मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था। इसको इवन करने के लिए मैंने इसको पहले मिक्स किया है। अब मैं इसमें अंडा डालने लगी हूँ, मैं एक और अंडा इस्तेमाल करूंगी। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। अब इसमें मैं सिरका, 2 चम्मच सिरका डालूंगी, मैं मुझे अंदाजा है मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, आपने 2 चम्मच सिरका डाल लेना है। अब थोड़ी सी सोया सॉस भी मैं इसमें डालूंगी, 2 चम्मच सोया सॉस ले लेंगे, हसबे जायका भी आप डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है, थोड़ा सा सिरका बढ़ाते हैं इसमें। अब ये आपका जो मैरिनेशन है ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको 1.5 घंटे के लिए रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। आप इसको 20 मिनट से 30 मिनट भी काफ़ी है, लेकिन मैं इसको ज़रा सा ज़्यादा रखूंगी ताकि ये मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए, और मेरे पास टाइम भी है अभी थोड़ा सा, इसलिए मैं ज़रा सा ज़्यादा देर रखूंगी इसको। अब ये मैरिनेशन को 30 मिनट्स गुजर गए हैं, अब मैं इसको निकाल के लाई हूँ। अब मैं इसको तलने लगी हूँ, मैंने तेल गर्म किया है और मैंने ये इसमें कुछ डाल दी है, ये देखें इस तरह मैंने चेक कर रही थी कि अगर तेल गर्म हो गया है मैं डाल दूँ। मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है, अब मैं फ्लेम को मीडियम कर लूँगी। ये मैं चिकन डाल दूंगी, चिकन को आपने कोशिश करनी है आप एक एक
जो पीस है वो लैदा डालें। अभी मैं इसको तल रही हूँ। अब ज़्यादा चम्मच नहीं मारेंगे वरना इसकी जो कोटिंग है ये उतर जाती है। ये हल्के से गोल्डन ब्राउन होंगे तो मैं उतार लूँगी। अभी थोड़ी सी देर और मैं इसको लाइक 1 मिनट उसको मैं इसको फ्राई करूँगी। अब मैं ये देखिए कलर जो है ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं ये उसको उतारने लगी हूँ। मैं इसको निकाल लूँगी। अभी मैंने सारे फ्राई कर लिए चिकन को। अभी इसका जो पहला पार्ट है फ्राइंग वाला वो खत्म हो गया है। अब मैं इसका दूसरा पार्ट शुरू करने लगी हूँ जो आपने इस सालन की ग्रेवी तैयार करनी है। मंचूरियन की जो हम ग्रेवी तैयार करेंगे ये वो वाला पार्ट स्टार्ट होने लगा है। मैं अब आपको दिखाती हूँ वो कैसे करेंगे। अब ये दूसरा पार्ट है इसके लिए जिसके लिए हमने ग्रेवी तैयार करनी है। जिससे उसके लिए हमें चाहिए सिरका, थोड़ा सा सोया सॉस यूज करेंगे। उसके अलावा हमें केचप की जरूरत होगी। ये मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिए थे कि हमें शिमला मिर्च और चकोर कटी हुई आम सादा प्याज जो होती है ये चाहिए होगी। इसके लिए हमने थोड़े से हमें ये जो लहसुन है इस तरह कटा हुआ चाहिए होगा। आप स्ट्रेट बारीक भी काट सकते हैं इसको, पर मैंने इस तरह काटा आज। फिर हमने काम करना है, हमने इसके लिए हमने सिरके में दादड़ी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है। इसको हम मिक्स करके मैंने रखा हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा इसमें दूसरी पाउडर्ड लाल मिर्च में मिलाना चाहें जायके के लिए तो आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए मैंने आधा कप ऑयल इसमें डाला है। लहसुन जो मैंने आपको बताया था ये थोड़ा सा कटा हुआ बारीक कटा हुआ लहसुन है ये मैंने डाल दिया है। इसको मैं हल्का सा ब्राउन करूंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें केचप ऐड करूंगी। इसको तो थोड़ा सा ब्राउन होने दूंगी मैं सिर्फ और कुछ सेकंड्स के लिए। ये ब्राउन हो गई है। अब इसमें केचप ऐड करनी है। तो देखिए मैं केचप ऐड कर रही हूँ। मुझे मैं अंदाजे से कह रही हूँ आपको तकरीबन 1 कप की जरूरत होगी। मैं अभी और केचप ऐड करूंगी, तकरीबन 1 कप तक लेके जाऊंगी इसको। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी शक्ल इसकी बनी। ये देखें ये मैं ऐड करती जा रही हूँ। ये 1 कप केचप मैंने डाल दिया। अब हम इसके अंदर, कई लोग खुद भी प्यूरी बनाते हैं और उसके अंदर फिर आप नमक, हल्की सी मिर्च और चीनी ऐड करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये ज़रा फास्ट और ईजी है क्योंकि सेम चीज़ ही होती है वो भी। हम इसके अंदर मिर्च मिलाऊंगी और मैं एक बात आपको बताना भूल गई, हम इसके अंदर नमक भी मिलाएंगे और मैं इसमें थोड़ी सी चीनी भी मिलाऊंगी। अब ये मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अब अंदाजा हो गया और आप बेशक मेजर कर लें। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सिरका भी डालेंगे, ये अच्छा लगेगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था नमक डालना नहीं भूलना आपने, और हल्दी की चीनी भी ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेवी को ज्यादा थोड़ा पतला करने के लिए पानी डालूंगी। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने पानी डाला है। अब देखें इसको हम मिक्स होने देंगे कुछ देर के लिए और फिर हम इसकी टेंडेंसी देखेंगे कि जो कंसिस्टेंसी क्या है। नमक का हसबे जायका मैंने आपको बताया कि आपने ऐड नमक ऐड कर लिया। अब इसके बाद ये सब्जी जो मैंने आपको बताया था, ये प्याज और शिमला मिर्च डाल दी मैंने। इसको हम थोड़ी देर ऐसे हल्का सा पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे अपना फ्राइड और फिर हम इसको थोड़ी देर दम पे रखेंगे। अब देखते हैं आगे, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। ये चिकन जो हमने फ्राई किया था अब मैं ये इसमें ऐड करूंगी। अब ये चिकन ऐड कर रहे हैं।
मैं इसको ज़रा सा हिलाऊंगी हल्के हाथ से। अगर आप महसूस करें कि ग्रेवी कुछ कम है तो आप इसमें मज़ीद हल्की सी केचप और पानी ऐड करके इसको बढ़ा सकते हैं। ये मैंने ऊपर से ढाँप के 3 से 4 मिनट के लिए रख दिया है। इस तरह जो सब्जी हमने डाली है वो भी जो उसका ग्रेवी है उसके साथ मिक्स हो जाएगी। अब मैं ये देखने लगी हूँ, अब ये हम बस उतार, मैंने इसकी आँख बंद कर दी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, देखते हैं कैसे लगती है। अब ये हमने डिश आउट कर दी है, बहुत टेस्टी और अच्छी है। ट्राई करके बताएं कैसी बनी। आप इसे फ्राइड राइस और नान के साथ भी खा सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सकें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। फिर नई एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।